धर्मपुरी नगर परिषद चुनाव के परिणाम की तैयारियां पूर्ण। मॉडल स्कूल में परिणाम जानने के लिए दोनों प्रमुख दलों के साथ नगर के लोगों का जनसमूह एकत्रित। कांग्रेस अब भाजपा दोनों ही कर रहे जीत के दावे। धर्मपुरी से जफर अली की रिपोर्ट। पिछले 5 वर्षों में नगर में जो कांग्रेस की परिषद रही उससे निश्चित रूप से नगर की जनता त्रस्त थी, परेशान थी, और पूरे 5 वर्षों में कोई विकास का बड़ा काम हुआ नहीं और भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। और इसलिए नगर की जनता ने तय किया है, इस बार भारतीय जनता पार्टी को नगर की बागडोर सौंपना तय है। हम आशान्वित हैं कि निश्चित रूप से हम विकास, हम न्याय, सरकार की योजनाओं को निचले स्तर तक लागू करने के लिए जनता के बीच गए थे, इस बात का हमने वादा किया है, हमने संकल्प लिया है और हमको उम्मीद है कि जनता हमारे साथ है और इस बार शहर की सरकार भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आने वाली है। देखने में यह आया कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो केडर पार्टी मानी जाती है, अनुशासित पार्टी मानी जाती है, उसमें भी मतलब अनुशासन तार-तार हुआ और कई जगह खेमों में बटी रही और कई जगह पार्टी के टिकट असंतोष के कारण निर्दलीय भी मैदान में उतरे, उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। निश्चित रूप से कोई भी राजनीतिक दल हर कार्यकर्ता को संतुष्ट नहीं कर सकता है, इसलिए कुछ कार्यकर्ता शायद नाराज हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये विश्वास है कि नगर की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो नगर में विकास चाहती है और नगर के लोगों के साथ योजनाओं पर और न्याय पाना चाहती है। इसलिए हम पूरी तरह आशान्वित है कि नगर की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। आपको क्या उम्मीद है कि 15 वार्डों में जहां पर दो पार्टी दो सीटों पे काम भाजपा अपने उम्मीदवार नहीं खड़े कर पाई, 13 में से कितनी सीटें ला पाएंगे आप? हम स्पष्ट बहुमत प्राप्त करेंगे, ऐसा हमको उम्मीद है। तो महेंद्र जी महाजन यहां पर थे और वो कह रहे हैं, निश्चित रूप से जैसा कि पूरे चुनाव के दरमियान नगर की जनता का उत्साह था, कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून था, उससे ये लगता है कि इस बार फिर से नगर की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार बनती तो उनकी क्या प्राथमिकता रहेगी? विकास पहली प्राथमिकता, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार और नगर में भी भाजपा की परिषद बनेगी तो विकास के काम जो पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की परिषद में नहीं हो पाए थे, हम पूरा प्रयास करेंगे कि नगर में जो विकास हमारी पिछली परिषद ने किया था उससे अधिक विकास करके हमारी परिषद दिखाएगी। कांग्रेस का ही माहौल है और पूरे गांव में यही चर्चा चल रही है कि कांग्रेस पर सारे जितने मतदाता, उन्होंने फिर से विश्वास जताया है और इस बार भारी मतों से अधिक सीटें जो पिछली बार हमारी 15 में से 10 थी उससे भी ज़्यादा सीटें लेकर हम फिर से वापस नगर परिषद में कब्जा हमारा रहेगा और पहले जैसी जो सेवाएँ की लोगों की वैसी और करेंगे हम सेवाएँ और उससे अच्छा जो भी नाराजगी वो भी दूर करेंगे। लेकिन इस बार जो हाँ पूरी तैयारियां हो गई हैं, आज मॉडल स्कूल में मतगणना है, 9 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी, लेकिन उसके पूर्व ही हमारा बल पर्याप्त मात्रा में लग चुका है और सुरक्षा की सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित की जा चुकी है। हाँ हाँ पूरी तरह से मतगणना शांतिपूर्वक होगी, परिणाम आने के बाद भी उसके बाद भी पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनी रहेगी। यहाँ पर प्रशासन ने किस तरीके से हाँ बाहर से भी पुलिस बल मिला है हमको, पुलिस लाइन से भी पुलिस बल प्राप्त हुआ है, नजदीकी थानों का पुलिस बल भी प्राप्त हुआ है और उसको हमने सभी जगह डिप्लॉय किया हुआ है। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।